रंगों के त्योहार होली को प्रदेश में बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है, जिसकी वजह से राज्य में तैयारियां भी तेज हो गई हैं। होली के त्योहार को देखते हुए प्रशासन ने भी अपनी कमर कस ली, जिसके तहत यूपी पुलिस ने बड़ा फैसला लिया। आने वाले त्योहार को देखते हुए सभी पुलिस कर्मियों की छुट्टियों को 16 मार्च से लेकर 20 मार्च तक कैंसिल कर दिया गया। उत्तर प्रदेश में पुलिस कर्मियों की छुट्टियों को कैंसिल करने का आदेश यूपी के डीजीपी ने सभी डीजी एडीजी पुलिस आयुक्तों और एसएसपी रेलवे को पत्र लिखकर जारी किया। हालांकि विशेष परिस्थितियों में उन्हें छुट्टियां मिल सकती हैं। आदेश के मुताबिक विशेष मामले में आवश्यकता के अनुसार पुलिस कर्मियों के अवकाश को स्वीकृत किया जा सकता है। बता दें, उत्तर प्रदेश में हाल ही में विधानसभा चुनाव संपन्न हुए हैं, जिसके बाद अब पुलिस के सामने होली के त्यौहार को शांतिपूर्ण ढंग से निपटाने की जिम्मेदारी है। वैसे तो होली रंग मजाक और मस्ती का त्यौहार है, लेकिन अक्सर इस मौके पर कई बार विवाद भी हो जाते हैं। ऐसे में पुलिस के कंधों पर जिम्मेदारियां और भी बढ़ जाती हैं, और यही वजह है अक्सर त्यौहार या किसी बड़े इवेंट से पहले पुलिस कर्मियों की छुट्टियाँ कैंसिल कर दी जाती हैं। जय त्रिपाठी हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। जय, होली से पहले पुलिस कर्मियों की छुट्टियां कैंसिल कर दी हैं ताकि किसी तरीके की अव्यवस्था कहीं ना हो और कानून का उल्लंघन ना हो, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल ही ना, जिस तरीके से होली का त्योहार है, ये त्योहार कहीं ना कहीं बड़ा हर्षोल्लास से मनाया जाता है। विगत पिछले अगर देखा जाए तो कोरोना की वजह से इतना खुशी से त्योहार नहीं मनाया जा सकता था, लेकिन इस बार बड़ी धूमधाम से मनाने की पूरी तरीके से तैयारी की जा रही है। आपको बता दें कि बाजारों में पूरी तरह से दुकानें लगा दी गई हैं और साथ ही साथ लोग बड़े खुशी मन से इस त्योहार को मनाने के लिए जुड़ गए हैं। इसी बीच आपको बता दें कि जब कहीं ना कहीं जो होली का त्योहार होता है, इसमें हुड़दंग होती, कहीं ना कहीं किसी तरीके से आपस में मनमुटाव हो जाता है, कई बार ऐसी व्यवस्थाएं देखने को मिलती हैं कि लोगों का झगड़ा हो जाता है। ऐसे में कहीं ना कहीं पुलिस की बहुत बड़ी जिम्मेदारी रहती है, इन सब चीजों का ध्यान दिया जाता है। तो इन्हीं सब चीजों का ध्यान देते हुए उत्तर प्रदेश में पुलिस कर्मी जो है, उन पुलिस कर्मियों की जो छुट्टियां थी उनको अब कहीं ना कहीं रद्द कर दिया गया है। 16 मार्च से 20 मार्च तक इस होली के दौरान कोई भी पुलिस कर्मी हो, चाहे वो अधिकारी हो, कोई भी अवकाश नहीं ले सकेगा। आपको बता दें, जो ये त्योहार है, इस त्योहार को देखते हुए इन छुट्टियों को डीजीपी ने रद्द कर दिया है। उनका साफ कहना है कि इस बार त्योहार जो मनाया जा रहा है उसमें किसी तरीके की कोई बाधा ना आने पाए, कहीं किसी तरह की कोई ऐसी घटना या ऐसी कोई सूचना ना मिले कि जो अप्रिय हो, इन सब चीजों का विशेष ध्यान दिया जाए। इन सब चीजों की व्यवस्था को देखते हुए कहीं ना कहीं ये बड़ा निर्णय लिया गया है, उसको देखते हुए ये निर्देश दिया गया है कि कोई भी पुलिस कर्मी या अधिकारी इस बार होली के त्योहार पर छुट्टियों पे नहीं जाएंगे। जी ना, तमाम जानकारियों के लिए शुक्रिया आपका।